नमस्कार शनिवार का दिन सुबह का समय और काफ़ी लोगों ने ड्यूरिंग द वीक ड्यूरिंग द मंथ ये बोला है कि जो कंज्यूमर हमारा जो स्लो डाउन हो गया कंप्लीट स्लो डाउन है कंज्यूमर का उसका क्या कारण है क्या कर सकते हैं हम कंज्यूमर को ऊपर वापस रिकवरी मोड में लाने के लिए बिकॉज लास्ट दो तीन साल से कोविड के बाद एक्सपर्ट आया था जब कंज्यूमर बाहर भागा कि मैं कुछ खरीद लूँ मैं कुछ बाहर आउटिंग कर लो उसके बाद वापस डिक्लाइनिंग ट्रेंड है अब ये मैं नहीं बोल रहा कोई और नहीं बोल रहा आप जो लिस्टेड कंपनीज़ है कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज़ है उनके अगर आप रिजल्ट देखेंगे उनका अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत कम है सो so, एक हाई एंड लग्जरी कंज्यूमर बेस है हमारे देश में जिसके पास अथाह पैसा है जिसके पास बहुत पैसा है वो पंद्रह बीस पच्चीस परसेंट फिर भी बढ़ रहा है क्योंकि जब भी बहुत पैसा किसी के पास होता है उसको कोई अपनी इनकम देख खर्चा नहीं करना पड़ता उसको मन देख के खर्चा करना पड़ता है कि यार मन आ गया कि आज चलो यार कुछ सामान गोल्ड का खरीद के ले आए तो वो गोल्ड ख़रीद के ले आएगा बिकॉज वो मन देख के खर्चा करता है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास है जो एक नॉर्मल सैलरीड क्लास है वो इनकम देख के खर्चा करता है नहीं इस महीने का बजट हो गया इस महीने तो वो मथुरा वाली बहन की बेटी की शादी है तो वहाँ पे जाना है वहाँ कुछ खर्चा लग जाएगा अगले महीने के लिए इसको रखते हैं ये वाले खर्चे को तो डेफर होता रहता है और ये खास बात कंज्यूमर क्लास में ये होती है मिडिल क्लास में ये होती है कि वो सोचता है इस महीना एक्स्ट्रा खर्चा आ गया अगले महीना शायद ठीक रहेगा लेकिन ये इस महीना अगले महीना नहीं होता ये हर महीना ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आएगा आपको लगेगा कि वो उसी महीने का एक्स्ट्रा है लेकिन अगले महीना कुछ और एक्स्ट्रा आ जाएगा बच्चे की ट्यूशन की फीस बढ़ जाएगी बच्चा कोई एग्जाम का प्रपरेशन करेगा उसमें आपको वन टाइम देना पड़ेगा कोई कोर्स ले, ले लेगा उसका देना पड़ेगा पैसा कोई बाहर गाँव से आपके यहाँ आ जाएगा रहने के लिए उसको आपको घुमाने फिराने खर्चा पड़ेगा आपको किसी के यहाँ जाना पड़ेगा खर्चा पड़ेगा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा और कुछ भी नहीं हुआ तो कोई घर में बीमारी पड़ जाएगा जिसके ऊपर आपको डेंगू मलेरिया मलेरिया का इलाज कराते कराते आप पता चलेगा आप दस पंद्रह बीस से ठंडे हो गए तो यह सिचुएशन जब कंज्यूमर की होती है तो एक नॉर्मल सिचुएशन यह बताता है कि हम एक एनालिसिस करें ब्रॉड एनालिसिस की होता क्या है सबसे बुरा मुन मेरे को लगता है फंसता जो पिटता है वो हमारा सैलरीड क्लास है और मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब भी सैलरीड क्लास हमारे ऑफिस में लोग काम करते हैं जब हम उनका सैलरी बढ़ाते हैं तो हमें नेट ये समझ आता है कि हम अगर उसकी सैलरी 20 परसेंट बढ़ा रहे हैं तो उसके हाथ में ही जाता है 7 जो है वो सरकार को देना पड़ता है क्योंकि आप 35 परसेंट टैक्स ब्रैकेट में होंगे तो ऑब्वियसली आप 35 परसेंट टैक्स कटेगा अच्छा उसके हाथ में कुछ है ही नहीं दाया बाया करने का क्योंकि यहां से तो टैक्स कट के ही उसको पैसा मिलता है तो जो सैलरीड क्लास है वो सबसे ज्यादा इसमें दुखी होता है सबसे ज्यादा उसमें पिचता है पिस्ता है रादर और इंपॉर्टेंट बात यह होती है एंटायर कॉन्टेक्स्ट में कि उसके पास कोई एवेन्यू ही नहीं है पैसा बचाने को जबकि एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन है मैं बहुत बार एग्जाम्पल देता हूँ उसके पास बहुत एवेन्यू है तो अगर हम बैकड्रॉप लें इस बात का इसी बात का हम बैकड्रॉप लें उसके बाद दो तीन चीज़ और करेंगे क्वेश्चन अगर क्वेश्चन uh, आंसर लेंगे बाद में हम बैकड्रॉप लें अगर इस बात का तो होता क्या है पिछले दस साल से आप देखिए इनकम टैक्स स्लैब्स हमारे देश में ही नहीं रहे हैं तो आप जितना इनकम टैक्स देते हैं उतना ही आप दे आ रहे हैं बिकॉज पिछले दस साल से महंगाई जितनी बढ़ी है पांच साल से आठ साल से इनकम टैक्स लाभ कभी बढ़ते हैं कभी रैंडमली कभी उधर हो जाते हैं मतलब को जो हिसाब से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ते पीछे एक दो तीन साल में बढ़े थे उसके बाद वो फ्लैटिश रह गए फिर बोला गया कि पाँच लाख तक अगर आपका कुछ नहीं है तो इतना देना पड़ेगा उतना देना पड़ेगा मेरे को लगता है जो बेसिक मिनिमम इनकम टैक्स एग्जैम्पन लिमिट को डी के साथ जोड़ देना चाहिए जैसे गवर्नमेंट में कोई सरकारी नौकरी करता है उसको एक डी बढ़ता है क्योंकि डी जो होता है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होता है मिनिमम इनकम टैक्स एग्जैम्पन लिमिट भी डी के हिसाब से होना चाहिए कि अगर उस साल का इन्फ्लेशन पाँच परसेंट का है तो मिनिमम इनकम टैक्स लिमिट पाँच परसेंट से बढ़ा दो उस साल का इन्फ्लेशन दस परसेंट का है तो मिनिमम एग्जेपन लिमिट दस परसेंट से बढ़ाओ और ऊपर ऊपर स्लैब सारे बढ़ाते जाओ हाँ टॉप एंड स्लैब आप ना बढ़ाएं तो भी ठीक है लेकिन क्योंकि जो मिडिल क्लास के हाथ में पैसा है वो पैसा उसको दिखता है और वो उस पैसे का सिर्फ मैनेजमेंट करता है मतलब पैसा आया और पैसा गया पैसा आया और पैसा गया उसका कोई उसको फ़ायदा नहीं मिलता है सो so फर्स्ट मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फ्लेशन की मार जब पड़ती है और ग्लोबली हम लोग हायर इन्फ्लेशन रेट पर है क्योंकि तो पहले चाइना जो था वो दुनिया को डिफ्लेशन एक्सपोर्ट करता था मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था डिफ्लेशन एक्सपोर्ट करने का ये मतलब हुआ कि अगर आप ये आईफोन बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया में बना अगर आप यू में बनाएंगे तो इसका दाम लगेगा हज़ार डॉलर और चाइना बना के अमेरिका भेज देता है तो इसका दाम लगता है आठ सौ डॉलर तो दो सौ डॉलर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आप तो कर नहीं सकते बट क्योंकि आप चाइना से इंपोर्ट करते हो आपकी कॉस्टिंग दो सौ डॉलर कम हो जा रही है तो चाइना के कारण डिफ्लेशन एक्सपोर्ट जो था चाइना जितना बनाता था सामान चाइनीज़ माल अब आप बोलते थे चाइनीज़ माल सस्ता है ख़राब है गंदा है अच्छा है जो भी है चाइनी चाइना जब तक दुनिया भर को सामान सप्लाई करता था तब तक दुनिया भर में प्राइस लेवल्स कंट्रोल में थे जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उन्होंने अपनी खुंदस निकाली कि चाइना पे टैरिफ चाइना पे ये चाइना पे वो डोनाल्ड ट्रंप ने इनएडवर्टेंटली इनडायरेक्टली मे बी डायरेक्टली आई डोंट नो क्या उनका थ्योरी क्या था उन्होंने ये कर दिया कि चाइना के एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब आप टैरिफ लगा दिए चाइना के इम्पोर्ट के ऊपर यूएस ने तो यूएस ने अपने आप इन्फ्लेशन को आबेल मुझे मार किया क्योंकि आप यही आईफोन अगर चाइना से बन के आठ सौ डॉलर पर अमेरिका पहुँच रहा है आपने इसके ऊपर दस परसेंट का टैरिफ लगा दिया आपने इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एट एट्टी कर दिया तो ये जब सिचुएशन होती है कोई भी देश में कोई भी कंट्री में तो आपको ये समझ में आता है कि पहले रेट अब नहीं आएगा तभी आप फेडरल रिजर्व की कॉमेंट्री भी आप देखते हैं कि वो कहते हैं टू परसेंट तो पता नहीं यार कब आएगा अब जो इन्फ्लेशन का रेट है वो टू एंड हाफ अच्छा आप बोलेंगे हमने तो चाइना से सब बंद कर दिया हमने तो टिकट भी बंद कर दिया चाइना से अब क्या प्रॉब्लम है भाई यार टिकटॉक का लफड़ा नहीं है आप अभी भी आप देखिए मुझे याद है गोवा के एक्स आ, एक्स तो क्या नाउ ही इज़ ना हिस् मनोहर पारिकर थे तो उन्होंने एक बार बोला कि गणपति में हमारे जो मूर्तियाँ आती हैं वो भी चाइना से आती थी इतने हम डिपेंडेंट थे अच्छा आप चार दिन दस दिन बीस दिन देशभक्ति रहती है बाद में देशभक्ति के छोड़कर लोग पेट भक्ति पे आ जाते हैं आपको पता है ये आपके यहाँ जो चीज़ मिल रही है पचास की मिल रही है चाइना से वही चीज़ सेम क्वालिटी फट्टी की मिल रही है आप देशभक्ति कितने दिन करोगे और मैं कोई कम देशभक्त नहीं हो किसी से और कोई अपने आप को मुझसे ज़्यादा भी नहीं बोल सकता है बिकॉज़ कोई एफिडेविट लेकर नहीं कर करके बैठा है सुप्रीम कोर्ट में कि देशभक्त कौन सबसे बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट बात है कि इंसान जो है सबसे पहले पेट भक्ति करता है उसके बाद देशभक्ति करता है तो पेट भक्ति आप जब करेंगे जब आपका पैसा बचेगा तो आप कर सकते हैं हाँ ये बात दूसरी है कि कई बार होता है कि चलो यार चाइनीज़ माल अच्छा नहीं है अच्छा नहीं लेंगे ये नहीं वो नहीं तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो इन्फ्लेशन की मार थी दुनिया भर में वो मार और बढ़ गई है बिकॉज चाइना के साथ लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया चाइना जिस हिसाब से एआई में आगे बढ़ रहा है चिप्स में आगे बढ़ रहा है और वो हिसाब से यूएस भी घबराता है चाइना से तो आगे आने वाले समय में अच्छा रशिया यूक्रेन वहां से हुआ तो क्रूड एनर्जी के दाम उधर प्रॉब्लम हो गई क्योंकि इन्फ्लेशन की मार वहां से आ रही है हमें क्रूड ऑयल से आ रही है उस कारण यूरोप रिसेशन में यूरोप रिसेशन में तो हमारे केमिकल कंपनियाँ टाइटाएँ फिस है लोग सालों साल से आरती इंडस्ट्रीज की आरती उतारे जा रहे हैं कि यार अब बढ़ जा अब बढ़ जा अब बढ़ जा लेकिन वो है जो अपने हिलने का नाम ही नहीं लेता है मुझे कोई बोलता है सर ये कब बढ़ेगा वो कब बढ़ेगा मैं बोला एस को देख ले भाई जिस दिन एस बढ़ने लगेगा वो तो फिर तो तो यूरोप को देख लो जिस दिन यूरोप में रिसेशन जाएगा बढ़ जाएगा और चाइना ने 20 -20 गुना कैपेसिटी बढ़ा दी है तो पूरे हिंदुस्तान को हर हर मोदी घर घर मोदी की तरह सारे केमिकल स्टॉक्स बांट दिए हैं आपको कई बार क्या कॉन्टेक्चुअली देखना पड़ेगा कि जब तक आपकी ग्रोथ जब तक आपकी ग्रोथ ग्लोबल ग्रोथ के साथ सेंक्रनाइज नहीं होती आप अबव एवरेज रेट्स पे नहीं ग्रो कर सकते सो वापस इन्फ्लेशन की बात करते हैं अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा जो टैक्सपेयर का पैसा है उसमें हमारा टैक्सपेयर का पैसा बहुत कम है बहुत कम जन टैक्स देते हैं तो रियली really अगर आप देखेंगे उस परस्पेक्टिव से तो स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है इन्फ्लेशन पड़ रही है इन्फ्लेशन पड़ रही है हर चीज़ की दाम बढ़ रही है हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो रियल रेट्स ऑफ टैक्स जिसको हम कहते हैं वो सैलरीड क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है बिकॉज जो बिजनेस मैन है उसके सारे खर्चे इन्फ्लेशन के साथ बढ़े जा रहे हैं उसका इनकम भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहा है उसका खर्चा भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिज़नेस मैन है वो अगर अपने हिसाब से देखे अपने हिसाब से अगर वो देखे कि वो कितना पैसा बचा पा रहा है तो जब वो सेल करता है कोई सामान अगर इन्फ्लेशन दस परसेंट का है तो ये फ़ोन बेचेगा तो उसको दस परसेंट ज़्यादा बनेगा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसका दस परसेंट ऊपर होगा फिर आप बोल रहे हैं सैलरी भी तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती है तो इनकम टैक्स अगर फ्लैट है तो फिर क्या प्रॉब्लम है बट द पॉइंट इज़ कि सैलरी अगर इन्फ्लेशन से बढ़ती है और इनकम टैक्स रेट जो है वो अगर एग्जम्पन्स की बात हो रही है एग्जम्पन अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो एक्स्ट्रा जो उसको सैलरी मिल रही है उसका भी हिस्सेदार गवर्नमेंट हो रही है सो so, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन में एक सैलरीड क्लास की हिस्सेदार हो रही है फॉर एग्जाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सपोज़ एग्जैपन लिमिट पाँच लाख है दो स्ट्रक्चर लो और आपकी सैलरी दस लाख की है तो आपको एक्स्ट्रा पाँच लाख मिला अगले साल अगले साल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका जो एम्प्लॉयर है आप पे तरस खाकर आपके फटे जूते देखकर आपके छेद वाले शर्ट देखकर और आपके फटी हुई पैंट देख कर, आपको बोलता है चल यार तो इस साल दस पर आठ परसेंट एक्स्ट्रा ले लेना तो आपकी सैलरी होगी टेन लाख एट्टी नाउ योर सैलरी इज़ टेन लाख एट्टी बट द बेसिक एग्जेपन लिमिट इज़ फ़ फ़ाइव लाख तो बेसिकली जो एट्टी थाउजेंड इंक्रीमेंटल आया बिकॉज पहले फ़ाइव लाख एक्स्ट्रा था पाँच लाख का एग्जम्पन लिमिट था दस लाख की सैलरी थी पाँच लाख एक्स्ट्रा आता था अब पाँच लाख अस्सी हज़ार का आपको एक्स्ट्रा टैक्सेबल इनकम हुआ उसके तो मतलब कि वो एट्टी थाउजेंड जो आपकी जो हाइक हुई उस पर भी गवर्नमेंट जो है टैक्स लेने को खड़ी है तो ये जब सिचुएशन होती है तो आदमी खर्चा करने के पहले दो बार सोचता है अच्छा काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सर क्या ऐसी बात है क्या कि सिर्फ दे दो फिर गवर्नमेंट को टैक्स नेशन बिल्डिंग के लिए दे दो लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए टैक्स देना अच्छी बात है लेकिन उसका जो बेनिफिट जो है वो उस इंसान को देखिए हर एक इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर होता है एक चाइनीज़ इकॉनमी है जहाँ पे उन लोगों ने इंफ्रा भी डेवलप किया और कंज्यूमरिज्म भी डेवलप किया आपको लगता है चाइना में कंज्यूमरिज्म नहीं है आप कभी अगर यूरोप जाएंगे तो जितने भी बड़े बड़े फैंसी दुकान है लुईवटो हो या एरमेस हो या कोई भी हो गुची हो प्राडा हो आप दुकान में इन्होंने स्पेसिफिकली चाइनीज सेल्स गर्ल सेल्स बॉय रखते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके 40-50 परसेंट जो इनके भी जो भी बायर्स होते हैं वो चाइनीज़ होते हैं तो जब चाइनीज़ बायर होता है तो उनको लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं और तो लोकल लैंग्वेज में समझाने के लिए एक चाइनीज़ रखना बहुत अनिवार्य होता है तो ये कई बार हो यू एस में होती थी कि अगर आप यू एस में फ्रंट ऑफिस में काम करें वाक आपको स्पेनिश आती है तो आपकी सैलरी बीस पच्चीस परसेंट एक्स्ट्रा मिल सकती है अगर आप सदर्न एरियाज़ में यू एस में हैं बिकॉज वो टेक्स एक्सेस में सारे मेक्सिकन्स आते हैं जो स्पेनिश बोलते हैं तो सिमिलरली अगर आप यूरोप में हैं और आप चाइनीज़ बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं तो आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है बेटर होती है और चाइनीज़ लग्जरी गुड्स बहुत खरीदते हैं बहुत ज़्यादा दुनिया की नंबर वन कार मार्केट चाइना है अगर चाइना सिर्फ इंफ्रा डेवलपमेंट में होता तो सिर्फ कार मार्केट नंबर वन नहीं होता इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना बड़ा नहीं होता बट हमारे यहाँ पर ये चीज़ होती है कि हम कुछ और देखकर कुछ और मिस करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा आई टी एक्सपोर्ट्स इतना बड़ा है अगर अगले दो साल पाँच साल दस साल में ए आई आएगा और आई टी की मार पड़ेगी हमारे पास प्लान बी नहीं है प्लान बी हमारे पास है कि वो चाइना में सामान बन गया उसको हम असेंबली करके यहाँ आई पर आईफोन बना दें बट वो प्लान भी नहीं होता है प्लान भी ये होता है कि हम कुछ इनोवेटिव कुछ करें कुछ हाई एंड करें सो कमिंग बैक टू द पॉइंट अगर मैं दस लाख वाला आदमी हूँ और मैं बीस हज़ार का फ़ोन ख़रीदता हूँ और कोई एक और इनकम करने वाला एक करोड़ वाला आदमी है वो भी बीस हज़ार का फ़ोन ख़रीदता है तो दोनों दोनों पे सेम जीएसटी लगता है सेम जीएसटी लगना दोनों पे मेरे को लगता है जीएसटी भी आपको थोड़ा वेरिड होना चाहिए थोड़ा आ, कम होना चाहिए क्योंकि जीएसटी का मार भी जब आपको पड़ती है तो आपके हाथ से पैसा निकल जाता है अच्छा इसके बाद अगर किसी को लगता है कि नहीं यार टैक्स में तो अपने को देना चाहिए पैसा क्यों नहीं देना चाहिए टैक्स तो नेशन बिल्डिंग के लिए तो आप पी रिलीफ फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर दें बट ओवरऑल इकोनॉमी में बिकॉज बहुत जन बोलते हैं ये कंज्यूमर की रिकवरी कैसे आएगी मेरे को लगता है कंज्यूमर नीड्स अ हैवी डोज ऑफ इंसेंटिव डजेंट नीड मनी इंसेंटिव का मतलब ये हुआ कि आप टैक्स स्ट्रक्चर को कम करें वो जाकर क्योंकि अगर आप कंज्यूमर के हाथ में एक एक लाख रुपया दे देंगे तो वो फिर वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा आपको टैक्स स्ट्रक्चर कम करना है जैसे ही आप टैक्स स्ट्रक्चर कम करेंगे लोग जाके खरीदेंगे खरीदेंगे तो कंज्यूमरिज़म आएगा और वॉल्यूम्स में आप कमा लेंगे कई बार क्या होता है जो हमारे कपड़ा वाले भैया लोग हैं कलकत्ता वाले सूरत वाले गुजरात वाले अहमदाबाद वाले जो कपड़ा बेचते हैं उनको पता है कि वो बोलते हैं कि कितना हिसाब से आपको क्वान्टिटी चाहिए वो हिसाब से हम रेट लगाएंगे तो अगर आपकी क्वांटिटी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो रेट कम हो जाता है तो सिमिलरली मुझे लगता है अगर कोई टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करें तो यहाँ फ़ायदा होगा बट हमारे यहाँ पे जो सैलरीड क्लास है उनको एग्जिमशन मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को लगता है मैनिफेस्टोज अब निकलना स्टार्ट हुए हैं मेरे को लगता है कि पार्टीज़ जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर फोकस करना चाहिए किसान तो अच्छी बात है किसान पर तो कर भी सकते हो आप बट बड़े किसान वो चार चूड़ी वाली गाड़ी जो खरीदते हैं ना लुधियाना में चार चूड़ी पता है ना आपको क्या है आउडी। आउडी में आप देखिए चार वो बनी रहती है तो लुधियाना में जरूर ये बोलते हैं कि चार चूड़ी वाली गाड़ी खरीदनी है तो वैसे जितने किसान हैं उनको तो गाड़ी खरीदो नहीं खरीदो उनको तो टैक्स एकदम सटा सट है वो तो पूरा टैक्स क्लेम करके बैठे हैं उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए और सैलरीड क्लास को टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन सैलरीड क्लास यहाँ पे उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है वो बोल रहा है ठीक है यार अपना काम तो चल रहा है ना अपने तो कम से कम एक घर हो गया दूसरे घर का ई चल रहा है तीसरा मैंने पी में डाल दिया मैंने इधर डाल दिया मैंने उधर डाल दिया अरे यू वो सब ठीक है लेकिन आपके हाथ में जब तक सरप्लस कैपिटल नहीं आएगा सरप्लस इनकम नहीं आएगी आप एंटायर इकोनॉमी को स्ट्रक्चर में नहीं डाल सकते एक और जो प्रॉब्लम अभी जो चल रही है वो इंटरेस्ट रेट्स की है तो आपके हाथ में जितना सरप्लस पहले आता था अब नहीं आता बिकॉज आपकी ईएमआई बढ़ गई है आप दो साल तीन साल से जो इंटरेस्ट रेट का ऊपर वाला दौर चल रहा है वो दौर से आपके हाथ में सरप्लस इनकम जब कम होती है तो ऑब्वियसली आप कम करते हो डिस्क्रिशनरी में डिस्क्रिशनरी में आप कम किए चलो आपने कपड़े नहीं खरीदे आप पिज्ज़ा नहीं खरीद रहे हो आप आउट ईटिंग आउट नहीं कर रहे हो समझ में आ रहा है लेकिन हमारे यहाँ जब डाबर मैरिको और एच जैसी कंपनियाँ ग्रोथ नहीं दिखाती है बिकॉज ये फिर भी बेसिक समझ में आती है ये नहीं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो रोज़ सुबह आप उठेंगे और न्यूज़पेपर देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है उसके बाद बोलेंगे कि चवनप्राश के अंदर जो मैंने चम्मच डाला है ये कितना भर के निकालो कई बार क्या होता है जब चवन प्राश के अंदर आप चम्मच डालते हो तो आप सोचते हो यार थोड़ा कमी निकालो यार पूरा अब निकाल लेंगे फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये बीस तारीख हो गई अभी डब्बा भी ख़त्म हो रहा है अब नया डब्बा लाना पड़ेगा ये सब मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स है ये कोई मेरी और आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये एक एवरेज इंडियन की प्रॉब्लम है चाहे वो कितना से ही स्टार्ट किया हो बट माइंडसेट वैसा ही चलता है 20 तारीख 25 तारीख जो महीने के होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं और एक से 10 तारीख बड़ा अच्छा होता है बिकॉज पैसा आता रहता है बट मुझे लगता है इसी कॉन्टेक्स्ट में अब एक और प्रॉब्लम क्या है ये प्रॉब्लम कोई गवर्नमेंट तो सॉल्व नहीं कर सकती एक और प्रॉब्लम यह है जो ऑप्शन ट्रेडिंग का किसी ने मुझे लिखा अभी वो हम लेंगे क्वेश्चन रवि ने लिखा है कि टू मिनट साइलेंस गुरु जी एन ऑप्शन ट्रेडर डायट ड्यू टू हार्ट अटैक इन माई एरिया बीकानेर अब इसका मैं क्या बोलूँ मैं कितने बार बोलता हूँ कि आपकी जान ले लेगा ऑप्शन ट्रेडिंग आपको लगता है कि आप 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो लेकिन ये 20 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ये आप कमा नहीं रहे हो ये पैसा आगे पीछे करके आपको देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ आपकी लाइफ कम होगी आपकी हेल्थ जो है वो खराब होगी और उसका कोई हिसाब ही नहीं है अगर ऑप्शन से पैसा कमाना है तो ट्रेडर नहीं ट्रेनर बनो उसमें आपकी हेल्थ सटासट रहेगी बढ़िया रहेगी आप जिम जाओ दौड़ के आओगे सुबह सुबह जबकि आपके सारे ट्रेनी जितने आपसे ट्रेनिंग लेते हैं सुबह सुबह उठ के देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कितने पर खुल रहा है एस जी एक्स एस जी एक्स तो गया नाजडेक कितने पे बंद हुआ उनका टेंशन उधर होगा आप जिम में ट्रेडमिल पे आप दौड़ते रहेंगे बिकॉज आपको तो अपना हेल्थ ठीक रखना है आप जितना लंबा रहेंगे उतना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे लोगों से जो अगर आप टीवी के एंकर होंगे तो मैं देखता हूँ उनको कोई टेंशन नहीं होता उनको क्या चीज़ का टेंशन उनको तो पैसा उनको थोड़ी ट्रेड करना है उनको तो आप लोग को ट्रेड करवाना है तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ये बीकानेर में जो हुआ है और बीकानेर वो मारवाड़ियों का गढ़ माना जाता है स्पेशली राजस्थान में ये खराब चीज़ है बट इसके लिए कौन जिम्मेवार है आई थिंक प्राइमरली द पर्सन हिमसेल्फ बिकॉज ग्रीड में फंस जाता है और ग्रीड में नहीं फंसता है वो लॉस रिकवरी में फंसता है फर्स्ट टाइम अगर आप शेयर बाजार में आए हो और आपने 25,000 कमा लिया तब तो आप छोड़ोगे ही नहीं बाजार को फिर तो आपको पच्चीस और कमाना है पच्चीस और कमाना है और अगर दो चार पाँच लाख कमा लिया तो आप तो घर में किसी को नहीं धाड़ोगे उसके बाद बोलेगा भागा यार मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ अगर आपने घाटा कर दिया फिर भी आप फंस गए क्योंकि अब आपको पैसा रिकवर करना है आप अगला सौदा उसके अगला सौदा उसका अगला सौदा आप सारा करते रहोगे पैसा रिकवरी मोड में तो ये जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक दलदल है क्विक सैंड है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक बार अगर आपको पकड़ लिया उसने आपको छोड़ेगा नहीं मतलब आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा और मेरे को लगता है कि कोई भी इसके अगेंस्ट इसलिए नहीं बोलता बिकॉज एक्सचेंज पैसा बनाता है इससे एक्सचेंज आप जितना ट्रेड करेंगे एक्सचेंज के लिए अच्छा है कल ही हमने बात किया कि एक्सचेंज का बस चले तो प्री ओपन का भी एक्सपायरी लगा दे और हर घंटे का लगा दे एक्सपायरी ट्रेड एक्सपायरी ट्रेड कभी आप तितली उड़ा रहे हो बटरफ्लाई उड़ा रहे हो कभी आप किसी का गला घोट रहे हो स्ट्रगल स्ट्रगल कर रहे हो कभी घोड़ा चला रहे हो ये सब कहानियां इतनी ज्यादा हो रही है मेरा दिमाग खराब हो जाता है मैं तो देखता ही नहीं हूं दूसरी बात है टेलीविजन आपको क्यों बताएगा कभी कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो तो मर जाओगे कोई दिन पता ही नहीं चलेगा मुझे कोई बोलेगा तो मैं तो ऐसे ही बोलता मर जाओगे पता ही नहीं चलेगा गिर जाओगे सड़क पर कोई दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो और कोई अगर आपको ऐसा बोलता है तो आपके फायदे के लिए बोलता है उसका क्या फ़ायदा आप अगर अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने लगूँ मुझे लगता है मेरा व्यूअरशिप टेन हो जाएगा लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता बिकॉज मुझे पता है वो लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन नहीं चलेगा और ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्ट्रैडल तितली उड़ाना तितली उड़ाना वैसे बटरफ्लाई को बोलते हैं आप लोग गूगल कर ले बटरफ्लाई क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे तितली उड़े बटरफ्लाई करोगे तो आपको बटरफ्लाई आ जाएगा वहाँ पे तो ये सब क्या होता है आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चलेगा बट मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे पता है इससे आप पाँच करोड़ दस करोड़ नहीं कमा पाओगे अगर आपको पाँच करोड़ दस करोड़ कमाना है जिंदगी में तो आपका स्ट्रक्चर आपका ओवरऑल सोच आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और जैसे अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अभी आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और ट्रोल आज ट्रोल करने का कुछ बोला क्या मैंने पता नहीं मुझे तो नहीं लगता आज मैंने कुछ ट्रोल करने का बोला हाँ ये ज़रूर बोला कि भाई इनकम टैक्स के स्लैब रेट बढ़ा दो हमारे लोग परेशान हैं उनको समय ही नहीं मिल रहा है इनकम टैक्स के बारे में सोचने का वो सोच रहे ठीक है यार अभी तो मैं फटाफट ये वाट्सऐप फॉरवर्ड कर दूं क्योंकि ये बड़ा धमाकेदार वाट्सअप और किसने मेरे मन के खिलाफ बोला है उसकी तो आज खैर नहीं अभी सब बिजी हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने में और वहाँ पर उनका टैक्स जब बिल आएगा तो चुका दिया जाएगा एक्चुअली क्या है ना बहुत बड़ा फ़र्क होता है सी का जो कंसेप्ट है ना ये सबसे बेकार कंसेप्ट है मेरे को क्या करना कंपनी का सी सी क्या है मेरे को तो ये देखना चाहिए मेरा टेक होम क्या है लेकिन क्योंकि अगर आपका टेक होम आप किसी को बोलेंगे तो वो कम दिखेगा इसलिए हम लोग बोलते हैं सी टी सी सी टी सी इज़ ए यूजलेस कंसेप्ट सी टी सी देश के लिए सी टी सी गवर्नमेंट के लिए सी टी सी आम आदमी के लिए सी टी सी उस आदमी के लिए है जो उसको जिसको पाँच किलो आटा दाल चावल मिल रहा है बिकॉज वही मेरे सीटीसी का पैसे का वही जो मेरा टैक्स कटता है वो अस्सी करोड़ हिंदुस्तानियों को हमारे विकसित भारत में आटा दाल चावल मिलता है तो वो जो सीटीसी का कंसेप्ट है वो गलत कंसेप्ट है आपको देखना आपके हाथ में क्या आ रहा है और वो हिसाब से आदमी नहीं देखता बिकॉज उसमें फिगर थोड़ा छोटा दिखता है जैसे हम लोग क्या है पहले बहुत सालों तक बहुत सालों तक जब निफ्टी आ भी गया था हम निफ्टी की बात नहीं करते थे हम सेंसेक्स की बात करते थे बिकॉज वो फिगर बड़ा दिखता था आप न्यूज़पेपर भी देखिए अगर कोई वैसे जो आजकल तो सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन आ गए हैं वो सीधा लिखते हैं सेंसेक्स नोज डाइव्स बाई थाउजेंड पॉइंट्स थाउजेंड पॉइंट्स दिमाग खराब ही है थाउजेंड पॉइंट्स अरे सत्तर हज़ार के सेंसेक्स में पिछहत्तर हज़ार जो भी फिगर है अभी मैं तो डेली ट्रैक भी नहीं करता हूँ इनके लेवल्स उसमें हज़ार पॉइंट है क्या भाई ये तो बता दे तो मुझे कि एक सवा परसेंट के ऊपर तुमने हेडलाइन बना दिया हाँ एक और चीज़ ज़रूर है कि अगर आप खोल लें अगर आपका ऐप आप, मेरा नोटिफिकेशन ऑन है वैसे माइक दूसरी बार हिला लेकिन आपको सेकंड टाइम लाइक नहीं करना है क्योंकि सेकंड टाइम लाइक हो ही नहीं सकता है तो एनीवे वे तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन है आपका तो वहाँ से फट करके एक तो पॉपअप आता है थ्री मिड कैप स्टॉक्स डेट कुड गो थर्टी परसेंट इन टू मंथ्स और मैं सोचता हूँ भाई ये सेबी वाले जो भैया हैं वहाँ पे जो दरोगा जी हैं वहाँ पे जो हवलदार हैं जो इंस्पेक्टर हैं इनको पकड़ते ही नहीं है ये दिन में आठ आठ बार मुझे ठोकते हैं मैसेज कि फाइव मिड कैप स्टॉक्स डेट वो अपिफ्टी परसेंट इन सिक्स मंथ्स अरे भाई तुम दिन के इतने शेयर दे रहे हो हमें हम क्या क्योंकि टकसाल समझ लिया है क्या कि हम नो, पे नोट छाप छाप के या आर है क्या कि हम की फेडरल रिजर्व है कि हम नोट छाप छाप के खरीदते रहेंगे तो एक बता छः महीने में दो बता छः महीने में समझ आता है तो दिन का छः बताएगा तो मैं कहाँ से हैंडल करूँगा इतना अच्छा कन्फ्यूजन इतना होगा इसमें कि आदमी बोलेगा चल दस ये लेते हैं बीस ये लेते हैं पचास ये लेते हैं सौ ये लेते हैं सो डैट जिंदगी भर वो गरीब रहे और कई बार क्या होता है हमारी जो सरकार होती है हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं हमारे जितने भी जो मीडिया एजेंसीज होती है उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप गरीब रहें आप थोड़ा सा दिमाग आपका ज़्यादा नहीं चले तो फ़ायदा होता है क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि आपको याद है पहले नाइनटीन सेवेंटीज़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था हमारे यहाँ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ हट ही रही है गरीबी यार अब पचास साल सौ साल होने को आ जाएंगे अभी दो में अभी तक गरीबी हट रही है वो इंदिरा गांधी के समय की बात है बीस सूत्री कार्यक्रम हुआ था उस समय हम लोग तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे अच्छा बीस पॉइंट याद ही नहीं रहता था याद ही नहीं रहता था कि बीस पॉइंट रखना क्या बीस सूत्री कार्यक्रम ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम बट गरीबी हटाओ वॉज अज कॉल उस समय मतलब वो भी गरीबी हटाओ बहुत ही बड़ा कॉल था लेकिन वो गरीबी हट ही रही है मेरे हिसाब से आज के दिन 80 करोड़ गरीब है हिंदुस्तान में जिसको आटा दाल चावल गवर्नमेंट से मिलता है वो गरीब है बट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब भी टैक्स स्ट्रक्चर देखते हैं आपको ये समझना चाहिए कि हमारा देश जो है वो मिनिमम एग्जेपन लिमिट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट लिंक कर दो उसको अरे सरकारी नौकर होते हैं तो उसको लिंक होता है ना उसका डीए मिलता है ना उसको कि इतना परसेंट आपका इन्फ्लेशन आ गया तो चल भाई इतना डीए ले ले आगे बढ़ा तो सैलरीड क्लास कौन सा पाप किया है भाई कि उसको नहीं देना आपको है आपको ये लेकिन सैलरीड क्लास ये पाप किया कि सैलरीड क्लास जो है वो बोलता ही नहीं है वो चुप से बैठा अच्छा अभी आप लोग देखिए बोले आप लोग सोचेंगे लो यार बात ठीक बोल रहा है लेकिन रुको एक सेकंड ये बढ़िया व्हाट्सएप आया जरा पढ़ूँ और चार ग्रुप में फॉरवर्ड करूँ ये काम करने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी आपकी जिंदगी जब आगे बढ़ेगी जब, जब आप ये सोचेंगे कि आपको क्या मिल रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको और भी सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि सारे टाइम तो आप ऐप में लगे हुए हैं कि वो वाला पुट खरीदा उसको बेचना है वो वाला कॉल खरीदा, खरीदा है उसको खरीदना है और ये जब सिचुएशन होती है जब इतना बड़ा हिंदुस्तान का देश है हमारा हम आठ करोड़ दस करोड़ डी अकाउंट बोलते हैं ये नहीं बोलते कि वो अकाउंट का एवरेज बैलेंस क्या है मेरे को लगता है कि आज के दिन नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ सेबी को एक इंक्वायरी कमेटी एग्जी कर बैठाना चाहिए और दो दिन में आएगा कि टॉप दस ब्रोकर्स के यहाँ पिछले तीन साल के खुले हुए डी अकाउंट के मीडियन और वेटेड एवरेज क्या है तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि एवरेज बैलेंस मतलब क्या है वैल्यू ऑफ़ द शेयर्स क्या है तो आपको पता चलेगा कि वो क्या हिसाब से हो रहा है ये सब कैसिनों के लिए एंट्री टिकट के लिए डी अकाउंट खोल रहे हैं कि रियली वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए खोल रहे हैं बट अल्टीमेटली हर एक आदमी का खुद का सोच है किसी को बर्बाद होना है तो हो जा भाई बर्बाद कौन मना करेगा तुम्हें बहुत जन मेरे पास आते हैं और ये मज़ेदार बात है कोई दिन बी एम मीट्स का जब हम कल करेंगे तो कल तो नहीं अभी तो बहुत पेंडिंग बी एम मीट्स है तो मतलब यहाँ पे आते हैं सर सौ करोड़ बनाना है पैसा कितना डेढ़ करोड़ डेढ़ करोड़ का सौ करोड़ भाई तो ये तो दाऊद इब्राहिम ही बना सकता है हां? मैं कहाँ से बना दूंगा डेढ़ करोड़ का सौ करोड़ भाई तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि डेढ़ करोड़ का सौ करोड़ बनाना है तो मुझे लगता है इनको एक्विटी इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए इनको कोई स्मगलिंग का गैंग ज्वाइन करना चाहिए वहीं बनता है डेढ़ करोड़ का सौ करोड़ इनको कोई चोरी चपाटी करना चाहिए इनको डाका डालने का स्कीम लगाना चाहिए वो कि भाई छुरा कैसे चलाएं लोगों को कैसे बैंक के बाहर खड़े रहें और जैसे कोई बैग लेके निकले काला चश्मा पहनकर इधर काला चश्मा पहन के उधर वैसे मैंने आपको बताया ना कि स्पेन में घड़ी कैसे चोरी होती है तो अगर आपकी घड़ी आप बढ़िया पहने हो। मैं वापस रिपीट ही कर देता हूँ क्योंकि बीते जब नए आते हैं तो आप एक बढ़िया घड़ी पहने हो तो आपको अचानक कोई लड़की आएगी नाइस वॉच नाइस वॉच ऐसा आप भी खुश क्योंकि इंडिया में तो किसी ने आपको कोई लड़की आके आपसे पूछी नहीं नाइस nice वॉच तो आप भी अरे यार फॉरेनर पूछ रही है हाँ यस येस नाइस वॉच नाइस वॉच अपने भी अपनी जितनी इंग्लिश होगी आप बता देंगे उसको फिर कैन आई सी कैन आई सी तो आप बोले हाँ भाई देख ले वो हाँ भाई देख ले भी नहीं है वो खट से ऐसे खुलेगा आपकी घड़ी ऐसे खुलेगी बाहर और उसको वो उठा के फेंक देगी दूसरे को दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को चौथा पांचवे को विद इन फाइव सेकेंड्स आपकी घड़ी आपसे तीस मीटर दूर अब दौड़ो बन जाओ स्वैन बोल्ट और पकड़ लो उसको पकड़ ही नहीं पाओगे वो दौड़ जाएगा लेकर इधर उधर आप पुलिस में जाओगे पुलिस कंप्लेन ही नहीं लिखेगी मैंने फ्रांस में देखा ये काम होते हुए मैंने लार अमला एरिया जो है बार्सिलोना वहाँ पे ये काम होती है ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं बट हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे हम लोग इसी सब चीज़ों में रहते हैं कि मैं डेढ़ करोड़ का सौ करोड़ कैसे बना दूँ अच्छा डेढ़ का सौ बनाने के चक्कर में ये बात ये डेढ़ का सौ जो बनाता है वो ये सोचता है कि मैं सोलह बॉल में सेंचुरी कैसे मारूँ सोलह बॉल में सेंचुरी मार सकते हो क्या सिक्सटीन सिक्सा नाइन्टी सिक्स फिर भी चार बज जाएंगे आप आप नर्वस नाइन्टीज़ में पहुंच सकते हो सेंचुरी नहीं मार सकते हो तो ये डेढ़ करोड़ से सौ करोड़ बनाने वाली बात है कि सत्रह बॉल में सेंचुरी बनाना सोलह में तो नहीं बन तो सकता है क्यों नहीं बन सकता है लोगों ने बनाया बट सत्रह बॉल में सेंचुरी मारना अगर आप सोच रहे हैं कि पॉसिबल है तो ये वाली बात होती है कि आपको कंटेक्सचुअली देखना होगा कि हो क्या रहा है हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स हमारे एम एस एम ई एस एम ई सारे की टाँ टाई फिस हो गई है सब ऑर्गेनाइज स्पेस जो है सारा मार्केट शेयर इनसे खा रहा है जो अनऑर्गेनाइज छोटे व्यापारी हैं वो सारे के सारे वो सारे के सारे धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं बिकॉज एक तो जी एस टी के बाद देखो एक तो जो सही बात है सही बात है अनऑर्गेनाइज का बिजनेस मॉडल ही बैठा था बैठता था टैक्स चोरी पे और गवर्नमेंट सब्सिडी पे तो एक टाइम था गवर्नमेंट बोलती थी एक करोड़ का तुम फिक्स्ड एसेट करो हम थर्टी परसेंट तुमको सब्सिडी देंगे जिस दिन तुम्हारा कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो वो सब तो चलो छोड़ तो दो, दो मिनट के लिए बट ये होती है बात कि अगर आप स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं तो आज के दिन आपका बिजनेस धीरे टाए टाए फिस हो रहा है एक तो लेबर आपको मिल नहीं रही है लेबर घर बैठी हुई है वापस आती नहीं है बहुत स्मॉल अनऑर्गेनाइज है और दूसरा आप खुद व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं आप खुद इन्वॉल्व नहीं हैं आप खुद आप सारे दिन बैठे हैं अपना अच्छा कौन सा वाला पुट लेना है कौन सा वाला कॉल लेना है तो हाउ कैन यू ब्लेम कि एंटायरली इकोनमी का प्रॉब्लम है मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी देश की जनता अगर हमारा डाइवर्टेड हो गया दिमाग उनका सिर्फ एफ करना है सारे दिन कॉल पुट करना है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आएगा बट इंपॉर्टेंटली अगर हम एम और एस को थोड़ा सा बेनिफिट दें तो मुझे लगता है वो बेटर होगा बिकॉज एस और एम जो हमारा स्पेस है उनकी बहुत बुरी हालत है उनमें कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है और वो फ्लैटिश है और एक और प्रॉब्लम क्या है आपने एक एम सेटअप किया आपका एस एम में दो ढाई तीन करोड़ रुपये लगा हुआ है आपने अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किया आपका बेटा पढ़ लिख कर पढ़ लिख कर आई क्रैक कर लेता है और मैं ज्यूम करता हूँ उसको नौकरी मिल गई है आई के बाद भी आई बॉम्बे वाले भैया लोग की तरह नहीं है, बट वो उसको नौकरी मिल गई कहीं उसकी स्टार्टिंग पे ही फोर्टी लैक्स है फिर वो धीरे धीरे दो तीन चार साल में वही उतना कमा लेता है साल का जितना का आपका पूरा प्लांट मशीनरी नहीं है वो फिर आपको फ़ोन करता है अरे पापा बंद कर दो ये अब पापा जी सोचते हैं मैं बंद तो कर दूँ तो हर महीना क्या तू पैसा भेजेगा मुझे मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट रहूँ तो नहीं नहीं मैं तो करूँगा वो लगे रहते हैं करने में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज़ कि यार मैंने पाया क्या करके तो तीस साल बाद जब वो लेखा जोखा निकालते हैं अपना तो उनको पता चलता है हमारी जो असली जो कमाई है ना ये गोडाउन है ये ज़मीन है और एक घर है जो मैंने ले लिया उसके अलावा कुछ नहीं है 50% परसेंट सिक्सटी परसेंट एस और एम जो है मेरे हिसाब से इसी चीज़ में फंसा हुआ है कि मैंने असली में पाया क्या तो पाया आपने ये वो गोडाउन वो घर और वो फैक्ट्री की ज़मीन जो आपने ख़रीद ली थी तीस साल पैंतीस साल पहले और जो उसको रेंट पे ले लिया था उसको तो वो भी नहीं मिला तभी उसको लगता है कि सबसे अच्छा काम है यार अपना जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे रखो और उसमें इन्वेस्ट करो बट तीस साल पहले और अभी में बहुत फ़र्क है एक और चीज़ है क्या होती है क्योंकि वो कुछ काम करता है और उसका आरोता है उसको लगता है अगर मैं काम बंद कर दूं तो गुप्ता जी क्या बोलेंगे शर्मा जी क्या बोलेंगे तिवारी जी क्या बोलेंगे दुबे जी क्या बोलेंगे अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा आपके यहाँ जब पैसा नहीं होगा तो कोई ये गुप्ता जी शर्मा जी तिवारी जी दुबे जी बसंत जी कोई नहीं आएंगे ना कोई आपसे पूछेंगे आपको ये देखना है कि आपका रिटर्न कितना बन रहा है अगर आप दस भी रिटर्न नहीं बना पा रहे हो सुबह से शाम जाकर तो गाँव दुनिया के लिए काम करना बंद करो अपने लिए काम करो उसको बेचो उसको एफ में लगाओ और जो करना है करो क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है कि सूनर और लेटर हमारे SME और धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ है। आपको जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है अब आप ये समझें कि आपको सुमो रेस्लर के साथ टोक्यो में घुसा दिया है रिंग के अंदर बोला चल मार इसको अब वो मारते रहो मारते रहो मारते रहो क्या होगा ऐसे कितना मार लोगे आप उसको तो वही वाली बात है कि कई बार आपको लॉजिकली देखना पड़ता है बट हमारा समाज जो है वो परेशान कर देता है वो खा जाता है इंसान को कि यार तू कुछ कर नहीं रहा तो कुछ कर नहीं रहा अरे क्या करूं भाई तू ही बता दे क्या करूं बट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे एम एस एम ई एस एम ई हमारा सैलरीड क्लास हमारा लोअर मिडिल क्लास हमारा मिडिल क्लास यहाँ पे पैसा आना चाहिए तो ये कंट्री का चक्का घूमेगा तो बड़े हिसाब से ग्रोथ होगी बट अगर इन लोग को पैसा नहीं मिला इन लोग को पैसा अगर नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक हैम्पर्ड होगी तो यहीं तक रखते हैं कल फिर करेंगे बी एम मीट्स कोई क्वेश्चन ही नहीं लिया चालू हो गए तो बस चालू हो गए आपको तो पता ही है हमारा कि एक बार चालू होते हैं तो फिर बंद ही नहीं होते और एजेंडा रहता नहीं है तो जो बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं कल फिर मिलते हैं मीच में थैंक यू